फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी कानपुर। मैं शिवम गुप्ता। आज आपको हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ निमसेट से जुड़ी हुई बातें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी भी है। ठीक है, हम लोग वहां पर ये चीजें देखने वाले हैं। जो भी चीजें हम आपको बताएंगे वो आपको ध्यान से सुनना है और कंसंट्रेट होकर सुनना है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो आपका निमसेट का एग्जाम है वो 27 मई को है और आपने एडमिट कार्ड आई होप कि डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसमें एक जरूरी बात आपको ये बतानी है कि जो आप प्रिंट आउट निकलवाएं वो आप लेजर प्रिंटर से निकलवाएं। लेजर प्रिंटर मतलब या तो वो लेजर प्रिंटर हो या फिर बड़ी वाली जो मशीन होती है वो मशीन हो, उससे आप प्रिंट आउट निकलवाएं। ठीक है, इंक जेट से ना निकलवाएं। इंक जेट का मतलब जिसमें इंक पड़ती है वो वाला ना निकलवाएं, जिसमें पाउडर पड़ता है उस प्रिंटर से प्रिंट निकलवाएं, जिससे कि वहां पर क्या होगा, एक उसमें बार कोड है उसको स्कैन करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आपका लेजर प्रिंटर से नहीं होगा, इंकजेट से होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। ठीक है, तो ये तो बात रही आपके एडमिट कार्ड की। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो 27 मई को है। ठीक है, उसके लिए आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी है, ये भी सारी चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है, आप अपना क्या करें, ब्लैक बॉल पेन ले लें। ठीक है, और वो ब्लैक बॉल पेन कैसा होना चाहिए, वो मोटे पॉइंट का हो। ठीक है, जिसमें आगे जो पॉइंट होता है वो मोटा हो, 10 रुपए का आता है वो वाला पेन ले जाएं, पतले पॉइंट वाला ना ले जाएं, जिससे कि आपको बबल फिल करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आप 2 से 3 पेंसिल ले जाएं और वहां पर इरेजर और शार्पनर भी ले जाएं, जिससे कि आपको क्या हो कि रफ वर्क में आसानी हो। जब भी आप रफ वर्क करें तो उसको इरेज कर दें और फिर से दोबारा कर सकते हैं। पेन से क्या होता है कि अगर आपका स्पेस फिल हो गया है तो आप दोबारा से नहीं कर सकते हैं, और पेपर एक्स्ट्रा कोई भी नहीं अलग से मिलता है, पेपर में ही जो टेस्ट आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसी में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप पेंसिल जरूर रखें। ठीक है, तीसरी जरूरी चीज ये है आपके लिए कि वहां पर जो आप बबल फिल करें वो ऐसा ना करें कि एक एक क्वेश्चन करते जाएं और बबल फिल करते जाएं, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दूसरी गलती एक और ना करें कि सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, लास्ट में बबल फिल कर रहे हैं, ये भी बहुत नुकसानदायक है। तो आप करें क्या, आपको ये करना है कि 5-5 क्वेश्चन आप उठाएं, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 5 क्वेश्चन के बबल फिल कर दें, फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर 5 क्वेश्चन के बबल फिल कर दें। तो इस तरीके से करें। ये तो हुई हमारी चौथी चीज। पांचवी चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें, क्या पैटर्न होना चाहिए पेपर को सॉल्व करने का। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात जो है, ये आपको जानना जरूरी है कि पेपर को सॉल्व करने के लिए आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपको कितना टाइम किस पोर्शन पे देना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप मैथ लगा रहे हैं और 2 घंटे मैथ में ही चले गए, बाद में आपको पता चला कि रीजनिंग का पोर्शन तो काफी इजी था वो हम देख नहीं पाए, या फिर कंप्यूटर का पोर्शन काफी इजी था। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, या फिर ऐसा भी ना करें कि रीजनिंग आप सॉल्व करें और उसमें कहीं पर फंस जाएं और फिर बाद में क्या हो कि मैथ में कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे वो आप कर नहीं पाए। ठीक है, तो एक आप अपना स्पेसिफिक टाइम निकालिए उसमें, और आप क्या करिए, पहले पूरा पेपर एक बार देख लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है 5 मिनट आप दीजिए पूरा पेपर देखने के लिए। ये 5 मिनट आपके वेस्ट नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। आप पूरा पेपर देखें, उसके बाद में आप एनालाइज करें कि आपके लिए कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है, फिर आप वहां पर बढ़ें उधर की ओर। ठीक है, आपको पांचवी चीज हम ये बताने जा रहे हैं कि आप पेपर के ड्यूरिंग में अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर उस पर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं समय की बर्बादी होती है और उससे आपका जो आने वाला अगला क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ता है। अगर वो सॉल्व भी हो रहा होगा और पिछला क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो एक और टेंशन होती है। ठीक है, तो वो भी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, आगे की तरफ बढ़े और लास्ट में जब टाइम बचता है आपके पास तो देख ले। तीसरी जरूरी, मतलब अगली हमें जो बात बतानी है वो बात ये है कि आप सारे पॉइंट नोट करते जाना। ठीक है, और बिल्कुल याद रखना। और जो नेक्स्ट बात हमारी ये है कि आप जब भी पेपर को सॉल्व करें, ठीक है, तो उसमें सिस्टमेटिक ढंग से ना देखें। ठीक है, कंप्यूटर के आपने 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपसे अगर 5 हो पाए, 6 हो पाए, 7 हो पाए, ठीक है, तो आप उतने कर लें। ठीक है, ऐसा ना करें कि नहीं कंप्यूटर हमें अच्छी आती है, हम बीसीए के स्टूडेंट हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे कैसे भी करें, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल सारे टिक ना करें, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने ही टिक करें। कहीं भी
कोई भी क्वेश्चन गलत ना टिक करें। अगर आप 50 क्वेश्चन करके आएंगे 50 सही होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप 70 करके आएंगे और 50 क्वेश्चन सही होंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में ना हो। तो आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि क्वेश्चन वहां पे कम से कम गलत टिक करें, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पेपर के टाइम पे याद रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि पेपर पे आप एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले पहुंच जाए। 1 घंटे पहले पहुंचने से वहां पे फायदा ये होगा, आपका जो टेंशन है, मानसिक तनाव होता है, वो नहीं बढ़ेगा। आराम से आप एंट्री करेंगे, आराम से पेपर देंगे और अच्छे माइंड से पेपर देंगे। अगर आप देर में पहुंचते हैं या 15 मिनट पहले पहुंचे, 10 मिनट पहले पहुंचे, तो एक माइंड का जो प्रेशर होता है वो आधा प्रेशर आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की बजाय उसमें खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो भी आप चीज याद रखें कि वहां पे ऐसा ना करें, आप 1 घंटे पहले पहुंच जाएं, आराम से वहां पर रेस्ट करें, आराम से एंट्री करें और आराम से वहां पर पेपर दें। कोई भी चीज आप अपने यहां भूले ना, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी आपने लगाया है वो जरूर ले जाएं, भूले ना बिल्कुल भी। आज ही जैसे ही वीडियो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें कंप्लीट करके आपने बैग में पैक कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई हमारी एग्जाम से संबंधित, लेकिन अभी 2 दिन आपके पास हैं और 2 दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा तैयारी कर लें कि जितनी कि आप 1 महीने में ना कर पाए हो, ठीक है। जैसा कि हमने BHU में बताया भी था और काफी स्टूडेंट ने हमें रिव्यूज दिए, पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि जो तरीका था सर एकदम यूनिक था और उसमें कुछ ना कुछ उनको फायदा हुआ, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो वो तरीका यहां भी आप अप्लाई करें। यहां पे तरीका क्या है, वही सेम तरीका है कि जब भी आप, अभी आपके पास कल का टाइम है और फिर एग्जाम के 27 तारीख को भी टाइम है, आज का भी टाइम है, ठीक है। तो आप हमारे अनअकैडमी पे जो हमने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो सेट थ्योरी का हो, चाहे वो सेट रिलेशन फंक्शन का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, ठीक है, और बिटसेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हमने निमसेट के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन उठा के सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो वाला पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो, मतलब जितने भी हमने वहां पर वीडियोज अपलोड कर रखे हैं वो सारे आप देख ले। उनको देखने से फायदा ये होगा कि आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन ढूंढेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पढ़ना जरूरी है, कौन सा नहीं है, ये सारी टेंशन आपकी हमारी है। हम वहां पर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। इस बात की भी हमारी गारंटी है कि जब आप पेपर दे के आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि सर आपने जो वहां पर वीडियोज अपलोड किए कितने क्वेश्चन उससे पूछे गए, ठीक है। ये कोई हवा वाली बातें नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए है। और आपने अभी तक BHU का एग्जाम दिया होगा, UPTU का एग्जाम दिया होगा, इनमें सारे में देखे भी होंगे कितने क्वेश्चन हमारे उससे आए हैं, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई, लेकिन वहां पर आप पढ़ लें तो उनसे रिवाइज हो जाएगा। और एक बेस्ट तरीका उसका क्या है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे अगर आपको बिटसेट के वहां पे क्वेश्चन देखने हैं तो 150 क्वेश्चन देखने में मैक्सिमम 5 घंटे आपको लगेंगे। तो आप क्या करें कि एक एक घंटे ब्रेक कर लें अभी से और उसको देख डालें, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज देखना है तो 5-5 मिनट के वीडियो है, ज्यादा बड़े वहां पर है भी नहीं। तो आप क्या करें, थोड़े थोड़े देख लें और बहुत सारे क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे तो मिनिमम आपके कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएंगे या 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं और इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में तो कोई बुरी बात नहीं है। अगली बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो हमने प्रोबेबिलिटी का कोर्स स्टार्ट किया है उसमें अभी आज और कल और परसों मॉर्निंग तक, ठीक है, तो उसमें भी वीडियोज अपलोड होंगे, तो वो वीडियोज आप जरूर देख लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन हो सकता है कि वहां से 2-4-5 आपको मिल जाए जो भी आने वाले हों, ठीक है, क्योंकि अभी हम उसमें काम कर रहे हैं और जितने लेसन्स अपलोड होते जाएंगे आप सारे लेसन्स देखते जाएं तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग यहाँ पर नए हैं, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने ये BHU में काम नहीं किया था, ठीक है, वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगा अनअकैडमी पे, ठीक है, और वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग BHU पे देख चुके हैं, फॉलो कर चुके हैं, जिनको फायदा हो चुका है वो फिर से एक बार ट्राई कर लें, ठीक है, फिर से एक बार देख लें सारे, तो आपके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये तो हो गई बात पढ़ाई की। अब इस समय आप यूट्यूब के वीडियोज हमारे कम देखें, एक हमारी सजेशन है, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने कॉन्सेप्ट किए हैं डिस्कस और कॉन्सेप्ट की इस समय जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है आपको क्वेश्चंस लगाने की, तो वहीं पर देखें, ठीक है। आपका एग्जाम ओवर हो जाता है जब आप जामिया के लिए आना या पुणे यूनिवर्सिटी के लिए आना, तब आप फिर से कॉन्सेप्ट देखना जब आपके पास टाइम 10 दिन का हो, ठीक है। तो इस समय आप कॉन्सेप्ट ना देखें, आप वहां पर क्वेश्चन देख लें। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है भूल गए तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप मेनली जो फोकस करें वो क्वेश्चंस पे फोकस करें, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए और हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और आप अपना पेपर अच्छा करें, हम तो आपके साथ 1 साल बने हुए थे और जो भी आप
हमसे एक्सपेक्ट करते हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो भी चीजें आपको चाहिए हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वो हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि अगर आपको वीडियोज देखने हैं, कोई चीज देखनी है, तो एक दो मतलब दो दिन के लिए आपके पास हमारे सारे वीडियोज ओपन कर दिए जाएंगे, मतलब आज सारे वीडियोज ओपन हो जाएंगे, कोई प्राइवेट नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो चाहे मैथमेटिक्स का हो, सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए होगा, ओपन होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए, क्योंकि अब दो दिन है तो हम आपके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आपको क्वेश्चन डिस्कस कर सके, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर करें, तो कुछ स्टूडेंट है वहां पे जो आपका रिप्लाई देंगे और वो अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, और आप अपना एग्जाम अच्छे से दें, कोई भी टेंशन ना लें, बस आप ये सोच के जाएं कि हम शिवम सर से पढ़ते हैं और हमने शिवम सर से स्टडी की है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा भी। आज हमने रैंक लिस्ट डाली हुई है निमसेट के एग्जाम की, जो टेस्ट अभी निमसेट A03 लिया था, उसमें आप देख लीजिए जितनी रैंकें आई हैं, श्योर है यही निमसेट में रैंकें आएंगी, ठीक है, इससे अलग रैंकें नहीं आएंगी। ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस है, इस बार का भी एक्सपीरियंस है, और इस बार हमने निमसेट A05 मतलब आज टेस्ट अपलोड किया है, तो वो टेस्ट भी आप लोग दीजिए। जो रैंक आप यहाँ पे गेन करेंगे उससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा वहां गेन होगी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, और खूब अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें, टेंशन ना लें बिल्कुल भी, और सिंपल माइंड से पढ़ें, कोई भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, थैंक यू।